सबसे अच्छा पेयर चुनने का मतलब ब्रदर सबसे अच्छी मतलब कि न्यूट्रल कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल कैंडल्स टाइप। मैं आपको यहाँ लाइव भी दिखा दे, ये देखो ये सारी न्यूट्रल कैंडल्स है, ये एक न्यूट्रल फॉर्म है, ये अच्छी मार्केट है, ठीक है, ये एक अच्छी मार्केट। देखो कॉन्टिन्यूशन है, बैक टू बैक कॉन्टिन्यूशन कैंडल्स है, ठीक है ना, मतलब बड़ी बड़ी विक्स नहीं है, बड़ी बड़ी विक्स जिस एरी मार्केट में होती है वोल्टिलिटी वोल्टिलाइट मार्केट होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देख लो, ये देखो दिख गया आपको, ये गंदी मार्केट है, इसमें ट्रेड मत करना, कभी मत करना कोई ठीक पे। है, देखो गंदी मार्केट। ये देखो कितनी गंदी मार्केट है, और ठीक है ये इतना ठीक है, यहाँ पे ठीक है पेयर अच्छा है। ये देखो अब यहाँ देखो कितना अच्छा पेयर चला है, ये देखो ठीक जी है, जी जी यहाँ अच्छा पेयर चला, मतलब कि ज्यादा बड़ी बड़ी विक्स नहीं है, न्यूट्रल कैंडल्स हैं, और न्यूट्रल कैंडल्स के बाद मार्केट में सब इक्वल हो रहा है, सब एक हिसाब तमीज से लड़ रहे हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे से बड़े तमीज से लड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ जी की तरह बदतमीजी पे नहीं उतर रहे, देखो देख रहे हो, दूसरे एक जी दूसरे को पूरा बेइज्जती कर रहे हैं, देख रहे हो कितना गंदा मार्केट है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये जोन देखो कितना गंदा है, ये देखो ये गंदी है, ये इधर बहुत गंदी फाइट हो रही है, बायर को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हो, बहुत कोशिश कर रहा है, सेलर जाने ही नहीं दे रहे, फिर सेलर जीत रहा है तो फिर बायर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बच के रहना, ऐसे पेयर में ट्रेड मत करना। पहली चीज न्यूट्रल मार्केट, न्यूट्रल कैंडल्स होनी चाहिए, दूसरी चीज बड़ी बड़ी विग्स ना हो, जैसे कि ये है, ठीक है ना, ये ठीक है, बड़ी बड़ी विग्स नहीं है, एक न्यूट्रल मार्केट है, ऐसी मार्केट में आपका लॉस नहीं होगा, बड़े प्यार से मार्केट आपको विनिंग दिलवाएगी, बड़े प्यार से, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मारो बोजूस नहीं होने चाहिए, वॉल्टिलिटी वाली मार्केट में मारो बोजूस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, यहाँ देखो ठीक है ना, अभी भी इधर कम है वैसे, ठीक है ना, ये बहुत देखो ये देखो बैक टू बैक मारो बोजूस, मारो बोजूस, ठीक है। हाँ अब आप बोलेंगे मारो बोजूस नहीं है, दोनों साइड वो है, बट ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना, मेरा कहने का मतलब ये, ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना, कैंडल्स देखो ठीक है ना, बनेगी तो कभी एकदम छोटी हो जाएंगी, फिर बनेगी तो एकदम ही मारो बोजू, मतलब ये फेक ब्रेकआउट्स, ऐसी मारो बोजू वाली मार्केट में ध्यान रखना, जिसकी विक्स बहुत बड़ी होगी, जिस मार्केट की विक्स बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना, मतलब ऐसे कैंडल होगी और विक जा रही है ऐसे, तो ये मार्केट की वॉल्टिलिटी की निशानी है, मार्केट में वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लगाओगे यहाँ पुट, लेकिन सेलर नीचे जाते जाते इतना नीचे चला जाएगा कि एक बायर से को टच कर देगा, और वहां पे होगा बायर स्ट्रॉन्ग, वो बननी होगी इस अच्छे खासे गैप में बैरिश कैंडल, लेकिन बहुत स्पीड में बायर सेलर ऊपर भाग रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई, समझ रहे हैं। जी हाँ तो बड़ी बड़ी विक्स मीन्स वॉल्टिलिटी ज्यादा है, अगर आपके गैप फिल नहीं होंगे आपको लगेगा कि मार्केट एक, मान लो कि थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ क्योंकि अब आपका मदर कैंडल कंप्लीट हो रहा है, रवि भाई मदर कैंडल का कहाँ तक देखा आपने, कंप्लीट भाई हो गया ना, ठीक है। देखो मतलब ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन इसके विक्स क्या होंगी, अब ये देख रहे हो ये वॉल्टिलिटी की निशानी है, अब आपको लगेगा अच्छा खासा गैप है, सेलर ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा है, न्यू लो बनाया है, स्विंग हाई नहीं बनाया, सेलर जी की लेफ्ट हैंड साइड कोई लेवल नहीं है, सेलर बड़ी स्पीडली आएगा कड़ा ऐसे अकड़ा कड़ा कड़ा, इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बायर सीरी को टच कर देगा, ये गैप फिल हो बिना एक बुलिश कैंडल फॉर्म, ठीक है ना, ये वॉलिटिलिटी की निशानी है, ऐसे मार्केट में ट्रेड मत करना। मारो बोजू दूसरी चीज है, मारो बोजू, मारो बोजू क्या करेगा, एक एक मान लो कि यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद ऐसे होगा, तीसरा फिर ऐसे चला जाएगा, अब इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, अब आपको नहीं पता चलेगा ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि इसको समझना फिर काफी मुश्किल हो जाता है, फिर सडनली सेलर क्या करेगा, बिकॉज ऑफ फेक ब्रेकआउट, सेलर वापस ऐसे आने की कोशिश करेगा, फिर अब क्योंकि बायर पहले इंक्रीज हो चुका है, फिर बायर हार नहीं मारेगा, बायर फिर ऐसे करेगा, तो ऐसी मार्केट में वॉलिटिलिटी में ब्रेकआउट फेक्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते हैं, और कई टाइम क्या होगा कि ऐसे मार्केट में ना एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दी, अब आपको लगेगा लेवल के नीचे आ गई, लेकिन बायर ब्रेकआउट कर जाएंगे,
समझ रहे हो, ये जी मारो बोसु वाली जी जो ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके यहाँ पे क्लोजिंग के बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्गली एंटर कर जाएगा कि सेलर को अपनी एरिया से आने नहीं देगा, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों में इक्वल फोर्स है। वो बार बार कोशिश करेगा मैं आऊंगा, बहुत एक दूसरे से लड़ेंगे, तो ऐसी मार्केट में मत बैठो, क्लियर, समझ गए। हमेशा न्यूट्रल मार्केट में बैठो, जैसे कि ये कैसा, ये न्यूट्रल मार्केट, बड़ी प्यारी मार्केट है, देखो ये प्यारी मार्केट है, प्यारी मार्केट है, प्यारी मार्केट है, प्यारी। अब देखो यहाँ देखो, हो गए मारो बोल स्टार्ट, लेवल तोड़ती जाएगी। देखो इस लेवल को देखो, एक सपोर्ट लेवल है, नीचे क्लोजिंग दे दी लेकिन ब्रेकआउट, फिर कितने इजीली ब्रेकआउट, वीक कैंडल ने ब्रेकआउट किया फिर भी सेलर नीचे, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, ठीक है ना, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, ठीक है ना, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट। ऐसे मार्केट हमेशा पे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी, समझ गए, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, ठीक है, ये ओटीसी का है। पेयर ना, हम मतलब ओटीसी का पेयर चूज कर सकते हैं ना ट्रेड के लिए, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई अगर मार्केट सही है गंदी तो। नहीं है, सुनो कोई मार्केट गंदी नहीं है अगर नॉलेज अच्छी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मार्केट में आपको पता आपकी स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करनी, किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देना, कोई पैटर्न वर्क नहीं करेगा, बार बार पैटर्न बनने के बाद भी फोल्ड हो जाएगा। देखो यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बना बट पैटर्न फोल्ड हो गया, ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार बना पैटर्न फोल्ड हो गया, ठीक है, अगेन मॉर्निंग स्टार बना, अब एग्जैक्ट इसने यहाँ क्लोजिंग दी, चलो ठीक है, तो सेलर से मोमेंटम लॉस कर दिया था, बाहर कंटिन्यू कर गया, ठीक है। लेकिन ऐसी मार्केट में थोड़ा बच के रहना, क्लियर, हमेशा अच्छी मार्केट में ही ट्रेड करना। अब ये यहां से यहां तक ठीक है, एक ये बड़ी बड़ी वीक्स देख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, क्योंकि इससे पहले मार्केट बहुत अच्छी चली, तो ये कॉन्टिन्यूशन सिग्नल को कह सकते हैं, ठीक है ना। और दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस जोन को चेक करो, ये जोन, ठीक है ना, जब लगने लग जाए भाई, बड़ी बड़ी विग्स आने लग गई है, पेयर चेंज कर दो। अब ये जोन देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा पेयर है, ऐसे पेयर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हो ही नहीं सकता कि लॉस हो, अगर प्राइस एक्शन की मास्टरी करी हुई है, अभी जी लेवल्स की मास्टरी करी हुई है, तो ऐसे पेयर पे बैठो, सफलता मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो कितना प्यारा ट्रेंड विनर के कॉन्टिन्यू, साथ जाएंगे तब भी प्रॉफिट हो जाएगा ना। बिल्कुल विनर के साथ ही तो जाना है, जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे तो बैठना ही नहीं है, तब उधर ट्रेड लेनी ही नहीं है जब तक चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म ना हो, समझ रहे हो। अब देखो इस जोन को चेक करो एक बार, ठीक है ना, ऐसी मार्केट में मत बैठो, मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो, समझ गए। भाई ज्यादा करना उतना